सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो भगवान की कथा सुने और सुन करके कह दे कि बस बहुत सुन लिया, वो सोच लेना भगवान का एक नंबर का भक्त नहीं है वो। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुनकर के कहते हैं कि बस वही कथा, वही महाराज, उन लोगों का तो काम है, तुम तो कुछ काम करो। नहीं भैया, भगवान की कथा ऐसी नहीं कि एक बार सुन लिया और हो गया। बोले भक्त हृदय तो भगवान की कथा को सुनते सुनते कभी तृप्त नहीं होता है, उसे सदैव अतृप्ति बनी रहती है कि और सुनने को मिल जाए, और सुनने को मिल जाए। प्रतु जी महाराज कहते हैं, दो कानों से आपकी कथा सुन करके प्रभु मन भरता नहीं है, इसलिए और सुनना है, और सुनना है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं वरदान देता हूं। और भगवान श्री हरि उनको पूर्ण कृतार्थ करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बाद में सनकादिकों ने प्रतु जी महाराज को दिव्य उपदेश दिया है, और सनकादिकों के दिव्य उपदेश को सुन करके उनकी भगवान में और प्रबल आस्था हो गई, और फिर भजन करते हुए उन्होंने भगवत धाम की प्राप्ति की है। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं प्राचीन बरही। महाराज प्राचीन बरही नित्य निरंतर यज्ञ करते रहते थे, यज्ञों में ही उनका मन लगा रहता था। तो एक दिन नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के कहा, भो भो प्रजापते राजन पशून पश्यत्वयाध्वरे। राजन, तुमने यज्ञ में जिन पशुओं की हत्या की है उनको देखो, वो सब तुमसे बदला लेने के लिए ऊपर खड़े हुए हैं। अपनी योग माया के द्वारा नारद जी ने आकाश स्थित पशुओं को दिखा दिया कि देखो तुमने यज्ञ में इनकी बलि दी है, और जिनकी तुमने बलि दी है ये सब के सब पशु तुमसे बदला लेंगे। अगर तुम्हें बलि देना है तो अपने अहम की बलि दो, अपने मैं की बलि दो। जो अपना मैं लेकर के तुम दिन भर घूमते रहते, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत यशवान हूं, ये जो अपना मैं लेकर के आप घूमते हैं, अगर भगवान पे कुछ चढ़ाने का आपका मन करे, आपका अगर भाव बने, आप पुष्प चढ़ाते हो, धूप चढ़ाते हो, बिलपत्र चढ़ाते हो, चावल अक्षत चढ़ाते हो, सब चीजें चढ़ा देते हो, पर जिसको चढ़ाना चाहिए उसको कभी नहीं चढ़ाते हो, इन सबको आप चढ़ाते हो और कई बार चढ़ाते रहोगे, लेकिन भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जिस दिन तुमने अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उस दिन तुम्हारी सब पूजाएं सफल हो जाएंगी।